वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा संकट हर्षिया को बुला जल्दी। ओम जय जगदीश जिया जिया बहुत मारा मेरे को जिया उसको भी बहुत मारा है नैन को भी बहुत मारा लोगे बंद करो बाजा अपने एरे के छोकरे का खून बह रहा है ना मुसीबत में ना वो और तुम लोग को शादी की सूझ रही है बोल क्यों चिल्ला रहा है अपन तुलसीवाड़ी गया था नैन के साथ नैन को नैने से मिलने का था उसका भाई लोग अपने को देख लिया बहुत मारा मैं तो बच के आ गया तेरे को बताने के लिए अब ये बाजा तब बचेगा जब नैन का रिश्ता नैना से होगा देखो मारना मत अगर चिया आ गया ना अरे क्या करेगा रे चिया तुम लोगों की वाट लगा देगा चल रे मार के क्या फायदा जिसके लिए सब कुछ हो रहा है उसकी जुबान तो बंद है चल नैना अगर तुम अपने दिल की चाह जुबान पर नहीं लाओगी तो बहुत पछताओगी कह दो सबसे कि तुम भी नैन से उतना ही प्यार करती हो जितना वो तुमसे सूरज बेटे हमारी बेटी के दिल की बात हमें मालूम नहीं थी वरना इसके रिश्ते की बात हम कहीं नहीं करते और तुम लोग कान खोल कर सुन लो नैना की शादी वहीं होगी जहां ये चाहेगी थैंक यू बाबूजी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता अभी तो फोकस ठीक कर नहीं तो जिंदगी भर कुंवारा रहेगा
सॉरी। बजाओ। हाँ बजाओ बजाओ। लेकर की पसंद का नाश्ता बनाया वो दिखाई नहीं दिया सुबह से। काम से बाहर गया है। काम? काम? क्या कलेक्टर है? महीने में एक ही दिन तो काम करता है वो, और वो भी इस तरह करता है जैसे मुझ पर एहसान कर रहा हो। माँ, आज इतना बढ़िया नाश्ता बनाया आपने। लो आ गया, बैल की तरह घंटी बांधे, खिलाओ चारा। अब आप मेहरबानी करके चुप हो जाइए, नाश्ता करने दीजिए उसे। लो खिला पिला के इतना बड़ा सांड कर दिया इसे, अब नाश्ता करने से रोकूंगा क्या? ए गुंडे, गौतम बुद्ध देख रहे हैं। सुमन, गुंडा मत बोल उसे। तो और क्या बोलेगी? चिया। चिया, इतना अच्छा नाम रखा है सूरज, ये चिया क्या है? चिया नाम सुनता हूं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने छींक मारी हो। जुकाम हो जाता है मुझे ये नाम सुनकर। रास्ते से गुजरता हूं तो लोग कहते हैं चिया का बाप जा रहा है। हट। अब आप चुप रहेंगे, उसे नाश्ता करने दीजिए। थैंक्स मां। ये खून कैसा? दाढ़ी करते समय ब्लेड लग गया था। मेरी तरफ देख, दाढ़ी तो ऐसी कैसी है? लगने के बाद मैं कैसे करता? मारपीट करने के लिए बाहर गया होगा, पूजा करते समय सुनाई दिया था मुझे। चिया 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 चिल्लाता हुआ वो तेरा दोस्त आया था, खुद तो बिगड़ गया, साथ में चार दोस्तों को भी बिगाड़ने में लगा हुआ है। गुंडा। आपकी तरह और लोगों को भी लगता है कि मैं गुंडा हूं ना? अगर मैं गुंडा होता था ना तो ये 10,000 की जगह यूं ही 10,00,000 रुपए जमा कर सकता था मैं। ये 10, 50, 100, 200, ये कोई भाड़ा है? जमीन हमारी अपनी है, हम किराए बढ़ाएंगे तो लोग चुपचाप आंख बंद करके किराए देंगे। मैं किराया 1 रुपया भी नहीं बढ़ाऊंगा, समझ गया ना? तो बेच डालो सारी जमीन, करोड़ों रुपए आएंगे, आधा अपने वो भाई को दे देना और बाकी आधा से कुछ काम धंधा तो शुरू करें। समझा तो अपने लाल ले को, जमीन बेचने की बात में मुंह से ना निकाले। चुपचाप नाश्ता कर ले बेटा, चल। ये जमीन हमारे खानदान की पहचान है, इन 10,000 को मत देखो, उन किरायेदारों के मन में जो हमारी इज्जत है वो देखो, वो है असल में हमारी पूंजी। तेरे दादा ने खून पसीना एक करके ये जमीन खरीदी थी, खबरदार जो ये जमीन बेचने की बात की तो। दादा से ज्यादा तो आपने खून पसीना बहाया है, करोड़ों की जमीन से इस घर की दाल रोटी चलाने का। इस किराए से ये घर चलता है क्योंकि तू निकम्मा है, निकम्मा है तू। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए ना, शांत हो जाइए। इस जमीन से इस घर की सिर्फ दाल रोटी चल सकती है, तेरी आयश ही नहीं। अगर ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए तो खुद कमा कर दिखा। तेरी उम्र में मैंने कभी भी शॉर्ट कट का रास्ता नहीं चुना। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अरे बेटा नाश्ता तो करके जा। लेक्चर से पेट भर गया माँ। जा कह रहा है? आ? ये 5,000 ले और धर्म को दे गया। चाचा जी को किस चीज की कमी है? उनको ये 5,000 नहीं देंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पड़ेगा, समझा ना? ये ले, देख यार, पकड़। भैया सुनो। क्या है? चाचा के घर जा रहे हो तो मुझे कॉलेज तक छोड़ दो ना प्लीज। क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं भैया, ये टिफिन ढूंढ रही थी। आपने आज फिर नाश्ता नहीं किया ना? सुबह सुबह पिताजी के साथ आपकी बहस जो हो गई थी, लीजिए खा लीजिए। अगर मैं ये खा लूँगा तो तू क्या खाएगी? एक दिन नहीं खाऊंगी तो मर जाऊंगी क्या? लीजिए।
एक बात बता, चक्कर क्या है? ये मस्का क्यों लगाया जा रहा? भाई को खाना खिलाना मस्का लगाना है? बात क्या है? वो क्या है ना भैया, मुझे मालूम नहीं था कि एग्जाम की आईडी कार्ड की कल लास्ट डेट थी। तूने कार्ड नहीं लिया क्यों? वो मेरी सहेली है ना आरती, कल उसका बर्थडे था और वो जबरदस्ती मुझे अपने साथ लेकर गई पिक्चर दिखाने। तो अब तुझे पिताजी की लेटर चाहिए होगी। लेटर तो तैयार है पर मालूम है, तो अब तुम्हें पिताजी की साइन चाहिए होगी। मैं तो एक्सपर्ट हूँ ना, लाओ ला ला ला। क्या ये बायोलॉजी की जर्नल है? अच्छा ला। तेरा काम हो गया, अब तो जाने तो क्लास के लिए लेट हो जाएगी। भैया आप तो कभी नहीं सुधरेंगे। सर हम लोग भी जाएं? कहाँ, बोला जाने को? नहीं। चल पानी ला, पकड़। बिस्लरी नहीं है क्या? सर बिस्लरी है लेकिन आपने मांगा नहीं। अगली बार मांगोगा तो सिर्फ बिस्लरी देना, समझी? जी। आओ सूरज आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चाचू आप कैसे हैं चाचू? अरे ये देखो, मैं भी क्यों पूछ रहा हूँ जब आप इतने कमाल लग रहे हैं ना। खाने से भरे हुए टेबल पर बैठे किसी राजा से कम नहीं लग रहे आप। बताइए चाचू बताइए, आज ऐसी क्या खास बात है? आज पहली तारीख है ना, लाया तू? आइडिया लाया हूँ, आइडिया। अच्छा, जो सिर्फ आप मेरे पिताजी को दे सकते हैं। और कुछ नहीं लाए? और कुछ लाने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। अरे चाचू जब आप ये आइडिया सुनेंगे ना तो टेबल पर खड़े होकर नाचने लगेंगे। क्या आपके बड़े भाई के आराम की जिंदगी के लिए उनके बेटे ने क्या सोच के रखा है? भतीजे मैं खूब समझता हूँ तेरा ये आइडिया। अपने पुरखों की जमीन बेचने के अलावा क्या हो सकता है तेरे दिमाग में? अपने आराम की जिंदगी के लिए तो अपने पिताजी की आड़ क्यों ले रहा है? एक बात याद रख कि तेरे पिताजी के साथ साथ मैं भी खिलाफ हूँ उस जमीन को बेचने के लिए। बस बस, आप तो चाहते ही नहीं कि हम अमीर बने या आपकी तरह खाए पिए। आप तो यही चाहते कि हम हमेशा आपके नीचे दबे रहे। अरे चाचू अगर आप हमारी तरह गरीब होते ना तो ये जो खानदान की पहचान है ना कब के बेच चुके होते। बस एक मौका दीजिए, एक मौका, मैं आपसे चार कदम आगे निकल के दिखाऊंगा। एंड दैट इज अ प्रॉमिस। अरे ये तो चला गया, रोको उसे। अरे क्या, जाने दीजिए सर, कौन से आपके सिद्धांतों और विचारों को बेचने निकला है? आप एप्पल खाइए। माल उसको पता है। किसको पता है? अरे उसको पता है। कि कैसे झोल झाल उसको पता है। किसको पता है? अरे बाबा उसको पता है। मेरा भी छोटा सा सपना है यार, चाहिए एक बंगला और इंपोर्टेड कार। खेलता हूं लॉटरी ये सोच के हर बार, बन जाऊं मैं भी फिर अरबपति यार। क्या होगी मेरी चाल उसको पता है। किसको पता है? अरे बाबा उसको पता है। तंग गली चौड़ा बाजार में वो मुझे मिली, मैंने पूछा नाम क्या है, कहने लगी लिली। ज
जवानी थी फूल जैसे खिली, लुट गए कितनों के दिल कमर जो उसकी हिली। क्यों हुआ बेहाल उसको पता है, किसको पता है, अरे बाबा उसको पता है। मखमल सा चिकना बदन लगे मेरे यार का, हर पल मैं रहता हूँ प्यासा दीदार का। कहता है दिल उसे देखूं बार बार, उसकी अदा में है नखरे हजार। है होंठ लाल लाल उसको पता है, किसको पता है, अरे बाबा उसको पता। सूरज माँ बहुत भूख लगी, जल्दी से खाना दो ना प्लीज। लेकिन मेरी बात तो सुन, कहाँ था तू इतनी देर? गौतम बुद्ध सो गए क्या? बड़ी मुश्किल से सोए हैं, सुबह से उखड़े हुए थे, 10 बार पूछ चुके हैं तुम्हारे बारे में। कहाँ था तू इतनी देर? नौकरी के लिए कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है माँ, तू तो जानती है ना। सब जानती हूँ, जहाँ जहाँ भटकना चाहिए वहाँ नहीं भटकता, दिन भर मौज मस्ती करता रहा, यही ना? नहीं माँ। बेटा पिता की डांट खाने की उम्र नहीं है तुम्हारी, काम करने की उम्र है। काम के लिए कितने इंटरव्यूज दिए हैं मैंने, तुम तो जानती हो ना माँ। बेटा तुम्हारे पास बीए की डिग्री है, एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या हुआ, छोटी मोटी नौकरी तो मिल ही सकती है ना। कुछ तो काम कर, कहीं से तो शुरुआत कर। खत्म हो गया। क्या खाना? खाना खाया? स्वीट डिश खाएगा? खाएगा? तुम लोगों की खुसुर पुसुर क्या मुझे सुनाई नहीं देती हैं? तूने खाना खा लिया, बता चाचा के लिए जो 5,000 रुपये दिए थे उनका क्या किया? चुप क्यों है? सब उड़ा दिए? अगर वो भी कम पड़ गए हों तो इस घर से कोई चीज चोरी करके ले जा और बेच डाल, बस यही एक काम बाकी रह गया, वो भी कर दे और इस घर से निकल जा। चुप रहो और करो लाड, और करो। क्या मैंने इसे पढ़ाया नहीं? क्या मैंने इसे रहने के लिए छत नहीं दी, इसे खाना नहीं दिया, इसे प्यार नहीं किया, इसके लिए सपने नहीं देखे, किसी चीज की कोई कमी नहीं की, फिर ये प्रेम की तरह क्यों नहीं मना? अरे तेरे चाचा की रिटायरमेंट के बाद प्रेम ने अपने बलबूते पर पूरी इंडस्ट्री खड़ी की और तू तू अपने पुरखों की जमीन के भरोसे आवारा गर्दी करता फिर रहा है। इकलौती संतान होने के बावजूद प्रेम ने 100 औलादों की खुशियां दी हैं अपने बाप को और तूने मुझे सिर्फ दुख दिए हैं, दुख। तू प्रेम की तरह बन ही नहीं सकता। इस खानदान का अगर कोई सूरज है तो वो है सिर्फ प्रेम, प्रेम। 8 करोड़। 1 करोड़ फ्रॉम मिस्टर प्रेम ठाकुर। और कोई साहब है जो इसके आगे बोल सके? नौ करोड़ पच्चीस लाख दस करोड़ एक। है कोई इसके आगे बोलने वाला? 10 करोड़ 2। 12 करोड़ 12 करोड़ 12 करोड़ 1। 12 करोड़ 2 12 करोड़ 3। Congratulations, Mr. Prem Thakur. Congratulations. Thank you. Good deal, huh? Mubarak ho aapko, Mr. Prem. Bewakoof saudagar. 8 crore ki cheez 12 crore mein khareed li. What a
स्टूपिड मैन। ओ रियली? और क्या, हमने सीधा सीधा तुम्हारा 4 करोड़ का नुकसान करा दिया। मिस्टर प्रेम ठाकुर, हमारे सामने सोच समझ कर आया करो। तुम दोनों भाई आइसक्रीम खाना, क्योंकि बिजनेस के लिए दिमाग की जरूरत होती है। तुम दोनों तो बच्चे हो। मैंने अपने एजेंट के जरिए मार्केट में यह बात फैला दी कि यह माल 8 करोड़ का है, जबकि यह माल 20 करोड़ का है। 20 करोड़? 20 करोड़। अब तुम ही हिसाब लगा लो कि मुझे फायदा कितना हुआ और नुकसान कितना हुआ। भैया मैं इसे छोड़ूंगा। नहीं नहीं रोशन, अभी नहीं। इन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की। फिजिकल असॉल्ट कॉजिंग इंजरीज, सेक्शन 325 आईपीसी। इन्होंने इस लड़के की जान भी ली, दफा 302, नॉन बेलेबल। सूरज। सूरज। पिताजी आप? हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक। ये ले चाय पी ले, नहा धोकर तैयार हो जा, मंदिर चलना है। क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं हर रोज मेरा जन्मदिन हो और हर रोज इसी तरह मुझे प्यार के साथ जगाए। ले। थैंक यू पिताजी। लाइए। किसके नाम की आरती उतारनी है? जिया जी, रंजीव, सूरज, सूरज ठाकुर के नाम से आरती उतारनी है। जी। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमदे सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। लीजिए सूरज। लाइए। जन्मदिन मुबारक हो। चुप चुप। ऐसा करो तुम लोग घर चले जाओ, मैं आता हूं। कहां जा रहे पिताजी? धर्म के घर, उसके 5,000 रुपए लौटाने। अरे भाई साहब, आप जीते रहो। संदेशा भेजते तो मैं आ जाता भाई साहब। प्रसाद लो। आज सूरज का जन्मदिन है ना, तुम्हें याद है? मेरे लिए क्या फर्क है सूरज और प्रेम्या। आइए। बहुत भुलक्कड़ हो गया है आजकल हमारा सूरज, तुम्हारे हिस्से के 5,000 देना भूल ही गया। भुलक्कड़ का तो पता नहीं भाई साहब, लेकिन बिजनेस माइंडेड जरूर हो गया है। हाँ।
मुबारक हो चिया भाई, मुबारक हो, आप एमए पास हो गए। एमए नहीं, बीए, वो भी पुरानी बात हो गई। अरे यार सर्टिफिकेट तो देखो, फिर खुद मान जाओगे कि एमए पास हो। यानी तुम्हारी नौकरी पक्की। फैंटास्टिक, ब्रिलियंट, हर सब्जेक्ट में फर्स्ट क्लास, इकोनॉमिक्स में डिस्टिंक्शन। अरे तुम्हारे जैसे लड़के को 2 साल नौकरी कैसे नहीं मिली? बैड लक सर। अरे बैड लक तुम्हारा नहीं, उन लोगों का है जिन्होंने तुम जैसे हीरे को पहचाना नहीं। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू सर। हर आदमी आपकी तरह जौहरी नहीं है सर। तुमने एमए भी किया है? वो तो दोस्तों ने करवा दिया है। मेरा मतलब है मार्क्स देखिए ना सर। यस यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एमए फर्स्ट क्लास इन 1997। यस सर। वेरी गुड, बीए फर्स्ट क्लास इन 1999। वेरी गुड। अब एक मशवरा मैं तुमको फ्री में देता हूँ, अगले साल हाई स्कूल भी कर लेना। जी? मुझको पागल समझता है तू? पहले एमए करता है, बाद में बीए करता है, नकली सर्टिफिकेट्स लेकर मेरे पास आता है तू? देखिए मेरी बात तो सुनिए। पुलिस को सुनाना। यू स्कैंडल, यू चीट, यू फ्रॉड। देखिए हाथ मत लगाइए, नहीं तो क्या कर लेगा तू? अबे जा रहे। पुलिस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ इंस्पेक्टर साहब। आप मेरी कंप्लेंट लिखिए, लिखिए फिजिकली असॉल्ट, फॉर्जरी, अटेम्प्ट टू मर्डर, ब्लैकमेलिंग, ब्राइबरी, चीटिंग, फ्रॉड, ये सारे सेक्शन इसके ऊपर लगाइएगा। इसने जितने नकली सर्टिफिकेट्स बनाए हैं और उन डिग्रीज को हासिल करने के लिए जितने साल लगते हैं, उतने साल आप इसको अंदर रखिएगा। एक्सक्यूज मी, ठाकुर इंडस्ट्रीज के मालिक प्रेम ठाकुर साहब आप? ये सूरज ठाकुर के जमानत के पेपर्स। पापा प्रेम साहब, ये मेरा भाई है। भाई भाई, तो जमानत की क्या जरूरत है? मैं कंप्लेन वापस लेता हूँ ना इंस्पेक्टर साहब, मैं कंप्लेन वापस ले रहा हूँ। प्रेम, अब तू ही इसे सही रास्ता दिखा, मैं तो इसे समझाते समझाते थक गया हूं। देख भाई, मैं तुझे छुड़ाने आया था, समझाने नहीं। कौन सा एहसान किया छुड़ा के? हाँ कौन सा एहसान किया? कोई खून थोड़ी किया जो उम्र कैद हो जाती। 2 दिन बंद रहकर बाहर आ जाता और जो दाल रोटी घर पे मिलती है यहां भी खा लेता। क्या फर्क पड़ता अगर तुम नहीं छुड़ाते तो? हाँ क्या फर्क पड़ता? मुझे पता है तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ी माँ की चिंता तो दूर हो गई। बस तेरा यही प्रॉब्लम है, मसीहा बनने का बहुत शौक है ताकि मेरे घर में तेरी और तारीफ हो और चर्चे हो। तू फिर सीरियस हो गया। देख भाई, तू मेरे साथ मेरी कंपनी में काम क्यों नहीं करता? और एहसान, मैं दौलत कमाना चाहता हूँ और कमाऊंगा, मगर तुम्हारे साए में रहकर नहीं, अपने आप कमाऊंगा। और इतनी दौलत कमाऊंगा कि मेरे चाचा और तुम्हारे ताऊ दोनों देखते रह जाएंगे। हे गेचू, तेरा टाइम पास आ रही है, देख। हे नैनवा, ये देखा हमार बोनी का टाइम है, बोनी ना खराब करे। ये चाकू देखा था? आलू जैसी आंख निकाल के बाहर फेंक दे। अबे तेरी रवीना बहन तेरे को इधर ही देख रही है। जो आ बता छोकरा बदमाश छे। आ छोकरा मा तो एक शरीफ छे, अहियाँ जोतो ज नथी, पागल छे। ए गेचू, खावा मा शुशु छे? पानी पूरी, सेव पूरी, दही पूरी, झगड़ाओ चार। बस 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 गेचू बस। नहीं हो सकता बाप, नहीं हो सकता। इंपोर्टेड गाड़ी में एक्सपोर्ट का माल हो ही नहीं सकता। लंबी है टांगे, मस्त है चाल, ब्रह्मी आंवला केश तेल के लंबे लंबे बाल, गाल है लाल, लड़की है माला बाल। वाह,
उस पे उसके गॉगल की मजबूत है ढाल। इधर ही चार लिए बाप, इधर ही चार लिए। हाय, आई एम शीतल। शीतल ओब्रॉय नाम है मेरा। शीतल इंडस्ट्रीज की मालकिन हूं। मेरा स्टाइल देखकर अच्छे से अच्छे हक्के वक्के होकर मुझे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर देखते रह जाते हैं। तुम पहले आदमी हो जो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत कर रहे हो। I like it. I like the style. जी हाँ, कट रहे लिए? जी हाँ, बड़ा ही अटपटा सा नाम है। ये नाम तुम्हारी पर्सनालिटी से बिल्कुल मैच नहीं करता और किसी ने भी तुम्हारे हुनर को आज तक दस्तक नहीं दी। गले में रुमाल, गर्दन में घंटी, हाथ में कड़ा और नाम अटपटा भले ही हो पर आदमी तुम काम के हो। तुम्हारे किस्मत के दरवाजे पर आज दस्तक हो रही है, उसे पहचान लो। कम ऑन, कम विद मी, आई हैव अ जॉब फॉर यू। तुम आओगे जरूर क्योंकि मेरी पहचान कभी गलत नहीं हो सकती। सूरज ठाकुर, नेशनल कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बीए। डिग्री मिलते ही सपने देखने शुरू कर दिए, दौलत कमाने के सपने, बड़ा आदमी बनने के सपने। लेकिन पिताजी के उसूलों और बस्ती की समस्याओं ने तुम्हारे सपने कभी पूरे होने ही नहीं दिए। मगर मैडम, टॉक व्हेन यू आर आस्क्ड टू टॉक। शर्मा जी, मेरे चैंबर में 25,000 रुपए लेकर इसी वक्त आ जाइए, कैश। तुम आज से मेरी कंपनी में मैनेजर की हैसियत से काम करोगे। तनख्वाह 50,000 रुपए महीना। मैडम, ये 25,000 रुपए। थैंक यू शर्मा जी। मैडम, वो वाउचर जी। सूरज, तुम्हारी तनख्वाह के 25,000 रुपए एडवांस लो ना। कंग्रेचुलेशंस। Are you happy? You're a very handsome man. लेकिन गले का रुमाल और ये घंटी यहां नहीं चलेगी। खूबसूरत लोगों की पर्सनालिटी लोगों को अपनी तरफ खींचती है, ये सब चीजें नहीं। कोई सवाल? You may talk, please. आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। आ गया साला। लेकिन ये सब किस लिए बेटा? इसलिए कि अगले हफ्ते मेरी सगाई है। हाँ? सगाई? सगाई? किसके साथ बेटे? बस पापा ने एक लड़की पसंद की और मैंने हाँ कर दी। अरे वाह, पापा ने की या तुमने? पापा ने ऑफ कोर्स, और मैंने भी। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। और सूरज के लिए भी कुछ कपड़े लाया हूँ, पता नहीं उसे पसंद आएंगे कि नहीं। सूरज की पसंद का अंदाजा नहीं लगा सकते तुम। हाय सूरज। पाए लागो पिताजी। पिताजी, मुझे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है और यह है मेरी पहली कमाई। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। पहली बार तेरे हाथ से लक्ष्मी घर में आई है।
इसे अपनी माँ को दे बेटा। माँ कंग्रेचुलेशंस भैया। थैंक यू। कंग्रेट्स भाई, मुझे बहुत खुशी हुई, तुझे अच्छी नौकरी मिल गई है। अगर सचमुच तुझे खुशी हो रही है तो तैयार रहना और दिल थामे रखना, क्योंकि ये खुशी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। ओ या, सी यू ताऊजी, सी यू बड़ी माँ। बाय भैया। अच्छा सुमा। बाय। प्रेम, एक और बात, ये कपड़े, तोहफे, गहने वगैरह, ये सब चीज़ें आज के बाद इस घर में लाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन भाई, और आज के बाद जब भी कोई सिग्नल पर तुम्हारी गाड़ी से बड़ी गाड़ी दिखेगी उसमें तुम मुझे ही पाओगे। ऑल द बेस्ट भाई। Short young lady. Talk when you're asked to talk. Hey baby, just relax. हम लोग यहाँ खेलने आए हैं, लड़ने नहीं। माना कि गुस्से में आप बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन मुस्कुराने पर और भी ज्यादा खूबसूरत लगेंगी आप। Believe me, मुस्कुराकर तो देखिए। That's like a beautiful lady. You seem to be an interesting man. इसीलिए लोग मुझे प्रेम कहते हैं। शीतल। शीतल उपरॉय। Nice meeting you. Same here, प्रेम। तो चलिए खेल फिर से शुरू करते हैं। खेल मैं शुरू करूंगी। As you wish. Yes. Ladies and gentlemen, नीलामी का वक्त शुरू हो चुका है। आप सब प्रॉपर्टी की वैल्यू जानते हैं। दोस्तों, इस प्रॉपर्टी की ऑफिशियल बोली 30 करोड़ से शुरू होती है। 30 करोड़, बोलो 30 करोड़। 31 करोड़। 31 करोड़। 32 करोड़। 32 करोड़। 32 करोड़। 35 करोड़। 35 करोड़। 36 करोड़। 36 करोड़। 38 करोड़। 38 करोड़। 40 करोड़। 40 करोड़। 40 करोड़। 41 करोड़। 41 करोड़। 42 करोड़। 45 करोड़। 46 करोड़। 55 करोड़। 60 करोड़। 60 करोड़। और कोई है? 60 करोड़। 60 करोड़। 1। 60 करोड़। 2। 60 करोड़। 3। यस यस। जानते हो सूरज, क्या किया है तुमने? दौलत वालों के मुंह पर ताला लगा दिया। मुबारकबाद नहीं दोगे? खुदकुशी की तैयारी कर रहे हो। सूरज, ये करोड़ों का खेल है। यहाँ अनएक्सपीरियंस लोग मार खा जाते हैं। जब खिलाड़ी अनाड़ी के हाथ मात खाता है तो ऐसे ही होश उड़ जाते हैं। तुम्हारा चेहरा तो देखो प्रेम, यू लॉस्ट योर कलर। नहीं सूरज, दुख से चेहरा पीला पड़ गया होगा। जानते हो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 करोड़ से ज्यादा नहीं है। कीमत थी, मगर इस प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट आने वाला है। प्रेम, यहीं पर अनाड़ी ने खिलाड़ी को चित कर दिया। मार्केट में जो डिस्प्यूट वाली बात है ना, मैंने ही फैलवाई थी। प्रॉपर्टी की असली कीमत है 80 करोड़। अब तुम बैठकर हिसाब करना कि सूरज ठाकुर को 20 करोड़ का नुकसान हुआ या फिर 20 करोड़ का फायदा। Have a nice day, brother. या? आपका काम हो गया मैडम। Wow, that's great, that's fantastic. जीत हमारी होनी थी और हमारी ही हुई। आपने कहा था आपको हार पसंद नहीं। मैंने ये सब इनाम के लिए नहीं, आपके नाम के लिए किया है। मैं जानती थी कि तुम ये काम यूं कर सकते हो। जानते हो सूरज, यू सो इंटेलिजेंट, सो सपोर्टिव, बहुत अच्छे इंसान हो तुम, मुझे अच्छे लगने लगे हो।
अब कुछ और भी ज्यादा। I like you, सूरज। मैं तुम्हें कैसे कहूं कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करने लगी हूं। थैंक यू। चोरी चोरी तो दिल को चुराने गई, बंद आंखों से नींद उड़ा ले गई। चोरी चोरी तो दिल को चुरा ले गई, बंद आंखों से नींदे उड़ा ले गई। जादूगरनी है तू या है कोई बला, जादूगरनी है तू या है कोई बला। है जोर न दिल पे चला, न जाने मेरा क्या होगा, दीवाना मत हो गया। न जाने मेरा क्या होगा, दीवाना मत हो गया। के तू मिलती है हर मुलाकात पर, बात ये जाएगी प्यार की बात पर। अब तेरे ख्वाबों में रोज आऊंगा मैं, इन हंसी आंखों में डूब जाऊंगा मैं। आज मिट जाने दे अब तो ये फासला, हाय जोर न दिल पे चला। न जाने मेरा क्या होगा, दीवाना मैं तो हो गया। न जाने मेरा क्या होगा, दीवाना मैं तो हो गया। अदा बोलती गुनगुनाती हुई, हर नजर उठती है मुस्कुराती हुई। हाले दिल अपनों से यूं छुपाते नहीं, दिल में जो रहते हैं दिल जलाते नहीं। जाने क्या रंग लाए अपना ये सिलसिला, हाय जोर न दिल पे चला। न जाने मेरा क्या होगा, दीवाना मैं तो हो गया। न जाने मेरा क्या होगा, दीवाना मैं तो हो गया। चोरी चोरी तो दिल को चुरा ले गई, बंद आंखों से नींदे उड़ा ले गई। जादूगरनी है तू या है कोई बला, है जो
खेला न जाने मेरा क्या होगा दीवाना मैं तो हो गया न जाने मेरा क्या होगा दीवाना मैं तो हो गया। अरे भाई तुम अभी तक यही हो? कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा प्रेम एक नौसिखिए के सामने हार गया। I cannot believe this। मगर मुझे हार कर जितनी खुशी हुई उतनी जीत कर भी खुशी नहीं होती डैड। सूरज के चेहरे पर जो खुशी जो कॉन्फिडेंस था मैंने आज तक कभी नहीं देखा। बेटे शायद अभी तक तुम हार का मतलब नहीं समझते हो क्योंकि आज तक मैंने तुम्हें कभी हारने ही नहीं दिया। अगर हार कर मुझे इतनी खुशी मिलती है तो मैं अपने भाई के सामने हमेशा हारता रहूंगा। और एक दिन खत्म हो जाओगे। नहीं डैडी, सूरज हमेशा मेरे सामने नहीं होगा और उसके अलावा प्रेम को कोई हरा भी नहीं सकता। Hey, come on, I want to show you something. Wow. खूबसूरत है ना? तुम्हारी तरह। ऑक्शन जीतने की खुशी में ये तोहफा तुम्हारे लिए। सूरज ये हमारी पहली जीत है और मैं चाहती हूं हम सदा यूं ही जीतते रहें। विश यू वेरी हैप्पी ड्राइविंग। वाव क्या बात है प्रेम, तुम तो हर खेल में माहिर हो। ये तो बस प्रैक्टिस की बात है। सो व्हाई डोंट यू टीच मी? कैन आई मैम? यू जस्ट रिलैक्स, आई विल टीच यू। दिस इज द क्यू हियर। Now hold the stick. Yeah. Your eyes on the cue. Look straight. And. Prem, let's go. We're getting late for dinner. One sec, I'm just coming. I said we're getting late. It's okay, Prem. Maybe some other time. Why don't you join us for dinner? Well, two's a company and three's a crowd. Renu, this is Sheetal. Sheetal, Renu. Thanks, Prem. But I don't talk to strangers. Excuse me. What the hell? Who is she? Oberoi Industries ki owner. Sheetal Oberoi. Dekho, usne hame yahan party mein bulaya hai. Yahan koi lafda nahi hona chahiye, okay? To lafde ka saman kyun rakha hai? Khacha. Idiot. Mera matlab hai, tamiz se khana, tamiz se peena, tamiz se baat karna. और मतलब अगर वो पूछे कि आप लोग क्या पियेंगे तो बोलना दारू और क्या? हट। बेवकूफ। सूप या कोल्ड ड्रिंक, समझे? सूप। सूप। सूप एंड कोल्ड ड्रिंक। और हाँ, उसका मूड बहुत अच्छा है, खराब नहीं होना चाहिए। ए, आ गई। हाय सूरज। हाय। हाउ आर यू? फाइन। हाय फॉक्स। हाय फॉक्स क्या होता है? हाय का मतलब ऊंचा और फॉक्स का मतलब Work. Thank you. My pleasure. बैठिए ना आप लोग। क्या पियेंगे आप लोग? उधर क्यों देख रहे हैं मुझे बताइए। शर्मा रहे हैं। चलिए मैं शुरू करती हूँ। One wonton soup for me. Soup. Make that two. मुझे ना एक DSP soup लाना है। बकर्डी, बकर्डी soup मुझे। मेरे लिए RC, RC. रॉयल चैलेंज सूप, कॉकटेल सूप फुल चिल्ड, ए बॉयल चना भी लाना। आप जानते हैं जब से मैं सूरज से मिली हूं मैं कितनी खुश हूं। आई एम वेरी हैप्पी सूरज। सूरज एक कमाल का इंसान है, उसने मुझे सिर्फ खुशियां दी हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सूरज से मिलने के बाद मेरी वीरान सी कश्ती को किनारा मिल गया। हे जागी है उमंग दिल में, बुझेगी मन की प्यास, प्यार के रंग में हम सब मिलकर खेलेंगे डांडिया रात।
आंखों में लेके प्यार आया है कोई यार, बजते हैं दिल के तार, क्या होगा यार क्या होगा, क्या होगा यार क्या अंकल, घर कभी छोटा या गरीब नहीं होता, घर तो उसके घर वालों से बड़ा होता है, सदा अमीर होता है। वाह शीतल जी, कितने ऊंचे विचार हैं आपके। आप मुझे बेटी कहकर बुला सकते हैं। वाह वाह, सूरज से आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, आपको कुछ ज्यादा ही पाया। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। ए सुमन, जाके तो कॉफी लेकर आ जल्दी। कॉफी का तो ऐसे ऑर्डर दे रहे हो जैसे किसी फाइव स्टार होटल में हो। जा सुमन। बेटी, सुमन की बात का बुरा मत मानना, इन भाई बहनों में नोकझोंक चलती ही रहती है। क्या सोच रही हो बेटी? मैं सोच रही थी, मुझे ये नोकझोंक करने का मौका ही नहीं मिला। इतना बड़ा कारोबार संभालती हो, ये बेफिजूल की बातें करने का वक्त कहाँ मिलता होगा। शीतल जी, कॉफी लीजिए। थैंक यू। शक्कर वक्कर ठीक से डालिए ना। हम्म।
थैंक्स। तुम्हारे लिए शीतल जी की नौकरी ही काफी है, ये कॉफी मेरे लिए है, है ना पापा? बहुत तंग करता है ना तुम्हें सूरज जी? कहो तो कल इसे नौकरी से निकाल दूं? ऐसा मत करना शीतल जी, अगर आपने ऐसा किया तो मेरे भैया फिर से बन जाएंगे चिया। थैंक यू सूरज, थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन फॉर मी। जानते हो मुझे क्या मिला है तुमसे मिलने के बाद? जमाने भर की खुशियां, हर कदम पर कामयाबी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी हुई है जब से तुम मिले हो। सूरज मैं सोचती हूं कि तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो मेरा क्या होता, मैं किस तरह बताऊं कि तुम मेरे लिए क्या हो। सूरज आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, एनीथिंग टू ऑर्डर प्लीज? एनीथिंग इंटरेस्टिंग एंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। थैंक यू। एक्चुअली आई एम इन लव सूरज, आई एम इन लव, मुझे प्यार हो गया है। मैंने जिंदगी में पहली बार मोहब्बत की है, मैं प्यार में पागल हुई जा रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि सपने देखना छोड़ ही दूँ। सब कुछ तो मिल गया है मुझे तुमसे मिलने के बाद। सूरज आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे प्रेम से कब प्यार हो गया। अब तो मुझे चारों ओर प्रेम ही प्रेम नजर आता है। सूरज मुझे प्रेम चाहिए, मुझे प्रेम से मोहब्बत हो गई है। तुम मुझे प्रेम दिला सकते हो सूरज, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। तुड़वा दो प्रेम की मंगनी, प्रेम शीतल के अलावा और किसी का हो ही नहीं सकता। तुम ये काम मेरे लिए करोगे सूरज, जितनी दौलत चाहिए मिलेगी तुम्हें, जितनी भी दौलत, बस बस मुझे प्रेम दिला दो, बदले में ब्लैंक चेक, जितनी भी रकम चाहे भर लेना। ए ऊपर वाले सुन ले, सुन रहा है ना, ये सारे लोग, ये पूरी दुनिया मुझे मुझे दौलत का लालची समझते हैं, दौलत का लालची। हाँ मैंने दौलत से प्यार किया है मैंने दौलत से, लेकिन तू जानता है ना भगवान, मैंने दौलत के लिए किसी का घर नहीं लूटा, अपना जमीन नहीं बेचा दौलत के लिए। मैं तेरे सूरज को कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता सूरज को, मेरा बाप भी नहीं समझता मुझे, दुनिया वाले नहीं समझते, प्यार करने वाले भी नहीं समझते सूरज को, कि सूरज भी एक इंसान है, सूरज भी प्यार कर सकता है, सूरज के पास भी एक दिल है भगवान, एक दिल है। अब सूरज नहीं हारेगा, सुन ले भगवान, अब सूरज नहीं हारेगा। जिंदगी में जितना हारना था बस हार लिया मैंने, अब सूरज नहीं हारेगा, अब सूरज दिखाएगा कि दौलत क्या कर सकती है, क्या कर सकती है दौलत, कितने दिलों को खरीद सकती है और कितने दिलों को तोड़ सकती है। मैं दिखाऊंगा। ये देखिए। हेलो, आपके सामने जो खूबसूरत लड़की खड़ी है उनको फोन दीजिए। रेणु जी आपका फोन। कांग्रेचुलेशंस मिस रेणु, आपकी सगाई प्रेम ठाकुर के साथ हो रही है। जी लेकिन आप कौन साहब बोल रहे हैं? आपका एक हमदर्द, एक बात बताने के लिए मैंने आपको फोन किया। आपकी सगाई तो प्रेम ठाकुर के साथ हो रही है मगर प्यार प्यार वो शीतल ओबरॉय से ही करता है। ओह रियली? हेलो हेलो रेनू, मैंने ये रिंग पसंद किया, कैसी लगी? वैसे फोन किसका था? पता नहीं, किसी ने मुझे फोन किया था यहाँ पर। हाँ, कह रहा था कि तुम शीतल से प्यार करते हो। शीतल से प्रेम?
ये शीतल वही है ना जो हमें क्लब में मिली थी? हाँ, मगर हे प्रेम, टेल मी देयर समथिंग, कोई चक्कर है क्या? मुझे लगता है हम दोनों का रिश्ता किसी को पसंद नहीं, इसलिए हम दोनों के बीच जहर घोल रहा है। वैसे मैंने शीतल को भी इनवाइट किया है, कोई शक हो तो पूछ लेना। Congratulations, प्रेम। Thank you. Hi, रेनू। Hi. पहचाना? शीतल, आप जैसे खूबसूरत लड़की को एक बार देख लेने के बाद कौन भूल सकता है भला? वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो, एक बार जो तुमसे मिले वो जिंदगी भर तुम्हें भी भूल नहीं सकता, क्यों प्रेम? Of course, she's beautiful. Congratulations, प्रेम। मुबारक है। Thanks. यार तू मेरे पे क्यों चिल्ला रहा है? सगाई पे लेट पहुंचा तो सगाई टूट पड़ जाएगी। ये सब तेरे कारण हुआ है फुलटू। ऑटो करके आते तो टाइम से पहुंच जाते, लेकिन तू बस से लेके आया, 30 रुपए बचाने के चक्कर में सब रफू चक्कर हो गया। क्या बे घूर घूर के देख रहा है सड़ेले बैंगन की तरह? एक्सक्यूज मी, मैं लड़की का बाप हूँ। हाँ, हम प्रेम के नवरत्न कुर्मा है। जैसे अकबर बादशाह के 9 लोग होते हैं ना, रत्न रत्न नवरत्न, वैसे। वेलकम वेलकम। नमस्कार नमस्कार। क्या है ये? अबे क्या है ये? लीजिए सूप सूप। ओ हाँ, डीएसपी सूप। अंकल, आपके पास कंघी है? कंघी मेरे पास? हाँ, क्या स्टेज पे जाना है ना, तो जरा बाल बाल ठीक करने पड़ते, कितना जंगल है देखो। इसे मत देना। ठीक है ठीक है। हाँ। जरा एक्सक्यूज मी। अरे यार सीधा खड़ा रहना, बाल ठीक कर रहा हूँ ना। What is it? Idiots नहीं है, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। ऐसे दोस्त हैं तुम्हारे? थैंक यू। नमस्ते बाबूजी। चल कॉन्ग्रेट्स प्रेम। Thanks. आपको भी मुबारक, क्या जोड़ी है। आहा, जोड़ी नंबर वन। What the hell is going on, प्रेम? पहले मेरी डैडी के साथ बदतमीजी की और अब मेरे साथ, हाथ मुझसे मिला रहे हैं और मुबारकबाद शीतल को दी जा रही है। रेनू रिलैक्स, ये नैन की आंखों का प्रॉब्लम है। हाँ। ये देख मेरी तरफ रहा है लेकिन बात तुम्ही से कर रहा है। ओह, तो अब आप इनकी सफाई देकर क्या साबित करना चाहती हैं? इनकी आंखें बहक सकती हैं लेकिन इनकी जबान बोलते हुए बिल्कुल नहीं लड़खड़ाई। ही स्पोक द ट्रूथ, और मैं जानती हूँ कि ये तुम्हें देखकर जानबूझकर क्यों विश कर रहा है। सॉरी फिंगर लेडी, सॉरी। शट अप एंड गेट लॉस्ट। रिलैक्स रेनू, प्लीज रिलैक्स, ताकि ये लोग मेरा और मजाक उड़ाए, मुझे और ह्यूमिलिएट करें। रेनू पापा एक मिनट, मजा तो बहुत आ रहा होगा ना तुम्हें ये सब देखकर? ये सब क्या हो रहा है? क्या बात कर रही हो, होश में तो हो तुम? होश तो मुझे अब आया है प्रेम, वो क्लब में तुम्हारा शीतल की तरफ अट्रैक्ट होना, उससे चिपककर उसे खेल सिखाना, वो ज्वेलरी शॉप में उस फोन का आना कि प्रेम शीतल से प्यार करता है। एवरीथिंग इज सो क्लियर टू मी नाउ। शीतल की बुराई करूंगी तो बुरा तो जरूर लगेगा ना तुम्हें? क्या बकवास कर रही हो? बकवास तो तुमने की है मेरी जिंदगी के साथ, शीतल को दिल दे बैठे और सगाई मुझसे कर ली। रेनू प्लीज। ओह शट अप, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम लोगों की बातों में बहक जाऊंगी, और मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरी सगाई से, इस रिश्ते से बहुत जलन है, क्योंकि तुम प्रेम से प्यार करती हो। यू ब्लडी बिच, हैव यू गॉन मैड? तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो रेनू। शीतल मेरी मेहमान है, इनसे माफी मांगो। माफी? माय फुट, तुम्हें मेरी और मेरी डैडी की इज्जत की कोई परवाह नहीं, और अपने दोस्तों और शीतल जैसे घटिया मेहमानों की इज्जत की बहुत परवाह है तुम्हें। आई स्पिट ऑन यू ऑल, मैं थूकती हूँ तुम पर और तुम्हारे इस रिश्ते पर। ये सगाई तुम्हें मुबारक हो। शीतल, रेनू ये तुमने ठीक नहीं किया। तो तुम जाकर ठीक कर लो, जाके तलवे चाटो उसके, जाके मना लो उसे। चलो डैडी, लेट अस लीव फ्रॉम हियर। अच्छा हुआ मुझे तुम्हारे ऐसे बहुत जल्दी मालूम पड़ गई। चलो डैडी। अरे बेटे। Well done guys, ये है तुम लोगों की एक्टिंग का इनाम। बट क्या बात है भाई, तुम लोगों ने क्या सीन जमाया कल, वाह क्या एक्टिंग की तुम लोगों ने। किसी को शक भी नहीं हुआ कि ये सारा एंगेजमेंट तोड़ने का प्लान हमारा था। भाई मान गया, तुम लोग कमाल के एक्टर्स हो यार। लेकिन एक बात बता सूरज, तूने ऐसा क्यों किया? प्रेम तो तेरा भाई है,
और भाई की खुशी नफरत करता हूं मैं प्रेम की खुशियों से। अब आगे कुछ मत पूछना, चुपचाप कैरम खेल। हाय प्रेम, आओ बैठो। हाय सूरज, बोल प्रेम। तुमसे एक जरूरी बात करनी है, मुझे शीतल से मिलना है। शीतल से? क्यों? मैं शीतल से माफी मांगना चाहता हूं, कल जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो जाकर माफी मांग लो, यहां क्यों आए हो? भाई मैं शीतल जी को उतनी अच्छी तरह नहीं जानता जितना तुम जानते हो, और अगर तुम मेरे साथ होगे तो मुझे माफी मांगने में आसानी होगी। चलो। Well, तुम्हें अचानक देखकर ताजुब तो हो रहा है लेकिन खुशी भी हो रही है। मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। माफी? कैसी माफी किम? उस दिन जो मेरी मंगनी के मौके पर आपकी जो बेइज्जती हुई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रेनू ने आपके साथ जो कुछ भी किया ठीक नहीं किया। Let's forget about it, प्रेम। वैसे भी कल की बातों को याद करके आज हम अपना मुंह कड़वा क्यों करें? कल की बातों को अगर हम याद रखें तो आने वाले कल की खुशियों का अंदाजा नहीं होगा, राइट? राइट। ए भाई जरा धीरे चलाना। कम ऑन डियर स्पॉट, आई डोंट नो हाउ टू स्विम। भाई धीरे चला। एक मिनट, आर यू ओके? प्रेम तुम ठीक हो ना? प्रेम तुम ठीक हो ना? ये लो, ये कंबल ले लो। लो ना, ये लोगे तो ठंड नहीं लगेगी। अरे कंबल से क्या होगा, बदन में गर्मी चाहिए तो ये पी ये। अरे ये बोतल की गर्मी अंदर उतार ले, आग लग जाएगी आग। भाई वाह, तुमने अपनी जान पर खेलकर प्रेम की जान बचाई। भाई मैं तो समझा था कि प्रेम गया। यू आर अ वेरी करेजियस लेडी शीतल, एंड यू आर वन लकी बास्टर्ड प्रेम। वैसे बुरा मत मानना, ये जो शराब है ना, दिमाग के सारे चैनल्स खोल देती है और सारी बातें दिल से निकलती है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। वैसे दिल की बात कहूं, मैं शीतल से बहुत प्यार करता हूं। इधर इधर बस गई है शीतल मेरे दिल में। देखो प्रेम, ये है मेरी मोहब्बत का जवाब, हंसी में उड़ा दे सूरज के जज्बात। और पता है क्यों? क्योंकि शीतल सिर्फ तुमसे प्यार करती है प्रेम। शीतल लव्स प्रेम ठाकुर। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर टू हुड्स। प्रेम तुम सूरज की बातों में मत आना, ही इज अ फनी मैन यू नो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि सूरज किससे प्यार करता है। सूरज सिर्फ और सिर्फ दौलत से प्यार करता है। शीतल, भाई के दिल में आग लग गई है। जो आग भड़कती है वो जल्दी ठंडी भी हो जाती है। जस्ट लीव हिम अलोन, आओ हम कुछ अपनी बातें करें। अपनी क्या, तुमने मेरी जान बचाकर। तुम्हारी नहीं, अपनी जान बचाई। हाँ प्रेम, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तो तो
क्यों अनजान बनते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या शीतल? कुछ नहीं। अच्छा, अगर मैं डूब रही होती तो मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बचा लेता। क्यों? क्यों क्या शीतल, क्यों अनजान बन रही हो? तुम जानती हो कि मैं तुम क्या प्रेम? आई लव यू शीतल। आई लव यू टू प्रेम। याद है मैंने तुमसे वादा किया था सूरज कि अगर तुम मुझे प्रेम दिला दोगे तो मैं तुम्हारी हर तमन्ना पूरी कर दूंगी। मुझे प्रेम मिल गया। आई एम सो हैप्पी। ये बंगला मेरी तरफ से गिफ्ट तुम्हारे लिए। सुनिए, अब हमारा बेटा कमाने लगा है, जल्दी से एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी करवा दीजिए। अच्छा, बात किया क्या उससे? वो मेरी बात नहीं डालेगा। हाय माँ, आज मैं जो कहने जा रहा हूँ उसका बुरा मत मानना। क्या है ना माँ,
आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारा घर थोड़ा सा छोटा लग रहा है? हाँ अच्छा तो जा कोई नया बंगला खरीद ले। ओके पिताजी, ये रही हमारे नए बंगले की चाबी। बेटा, ईश्वर तुम्हें इसी तरह तरक्की की राह पर ले जाए। मैंने तेरे बारे में जो सपने देखे हैं वो धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। अब आप ये मत कहना कि आप मुझे प्रेम के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं उससे भी दो कदम आगे निकलना चाहता हूँ। भैया जानते हैं, मम्मी डैडी आज आपकी शादी की बात कर रहे थे। हाँ? और हाँ भैया, हमारे नए घर में तो हम उसी दिन कदम रखेंगे जिस दिन तुम भाभी लेकर आओगे। भाभी तो जरूर आएगी, आएगी ना सूरज? सुमन, जब तू अपनी भाभी को देखेगी ना तो देखती रह जाएगी। सूरज जरा बता दो इसे कि इसकी होने वाली भाभी कितनी खूबसूरत है। क्यों, तुम्हें बताने में तकलीफ हो रही है क्या? असली बात तुम्हें बताना भूल ही गई, सूरज को उसकी कंपनी ने एक नया बंगला दिया है। ओ या, कांग्रेस भाई, अरे गले तो मिल। जो तुमने चाहा वो तुम्हें मिल गया, और मुझे ना चाहते हुए भी सब कुछ मिल गया। तकदीर और दौलत से तो तुम हमेशा ही अमीर रहे हो, मैं आज दौलत से तो अमीर हूं मगर तकदीर से आज भी फकीर हूं। शीतल। हाय प्रेम। हाय। वेट, आई जस्ट कम आउट। नहीं 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 नहीं। ओह प्रेम, वेट वेट वेट। प्रेम एक मिनट। प्रेम, डार्लिंग, व्हाई डू कीप जंपिंग इनटू द वाटर? तुम जानते हो ना तुम्हें तैरना नहीं आता। yeah. कब तक बचाऊंगी तुम्हें? शीतल, I can't believe I was so excited. क्या हुआ? पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या? सच? सब तैयार है ना? जी सब। खास मेहमान आ रहे हैं, खातिर तवज्जो बिल्कुल ठीक ठाक होनी चाहिए, समझे? जी सब तैयार है सब। वो टेबल वहाँ पर क्यों पड़ी है? बस हटाने वाला था साहब। पीछे रखो, और वो लैंप भी रख दो उसके ऊपर, समझे? जल्दी करो, मिठाई आ गई है। हाँ। खाने की चीजें सब तैयार है ना? हाँ साहब। वेरी गुड। पापा ये सब क्या है? बेटे, इस घर की होने वाली बहू आज पहली बार यहाँ आ रही है। हाँ? तो खातिर तवज्जो तो होगी ही ना। और तो और, अगर सजावट और फर्नीचर भी इस घर का चेंज करना होगा ना तो मैं बहू को ही पूछूंगा, ताकि जब वो इस घर में रहने आए ना तो उसे कोई चीज पराई ना लगे। पापा आई लव यू। बेटे, मैंने जो बहू तेरे लिए ढूंढी थी वो गलत थी, लेकिन मुझे तेरी पसंद पर पूरा भरोसा है। सर, आपकी होने वाली बहू आ गई। एक मिनट, इस घर में पहली बार आई हो, मुंह तो मीठा कर लो बेटी। समधी जी कहाँ है? सबसे पहले मुंह मीठा तो उनका होना चाहिए, है ना? जी। ये मेरे पापा हैं। नमस्ते पिताजी। इनसे मिलिए, ये प्रेम के पिताजी हैं। पापा आप ठीक तो हैं? पापा? कमीने! जलसाज! मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। तूने मुझे रास्ते पर लाया, मैं तुझे रास्ते पर लाऊंगा। तूने मुझे निकालो इसे, बाहर निकालो इसको। पता नहीं कौन पागल था, पापा पापा। शीतल जी, क्या इनके पागलपन की वजह धर्म ठाकुर है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू बेटे। वाह, थैंक
थैंक यू अंकल। पार्टनर, इतना महंगा गिफ्ट बच्चों के लिए। ओबेरॉय साहब, मैं अपनी तरफ से क्या दे सकता हूँ? जो कुछ मेरे पास है सब कुछ आप ही का तो दिया हुआ है। वैसे भी मैं बहुत दूर की सोचता हूँ। ये गिफ्ट जो मैंने छुटकी को दिया है वो कल मेरे ही पास तो वापस आएगा। वो कैसे? ओबेरॉय साहब, शीतल आज आपकी बेटी, कल वो मेरी बेटी बनकर मेरे घर ही तो आएगी। पार्टनर, ये हमारे ख्वाबों की ताबीर है। अब वक्त आ गया है कि अब हम अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग दे दें। हमें हर हाल में लीकर एंड सन्स कंपनी को टेक ओवर करना है। ये मॉर्गेज के पेपर्स, बैंक लोन पेपर्स, पावर ऑफ अटॉर्नी, इन सारे कागजातों पर मैं दस्तखत कर देता हूँ। पार्टनर, अगर सारी जायदाद भी गिरवी रखनी पड़े तो पीछे मत हटना। और मुझे यकीन है कि जिस दिन मैं वापस आऊंगा ये काम हो चुका होगा। तुम्हें सिर्फ दस्तखत करना है, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है। पापा ने हमारी बर्बादी के डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिया। छुट्टियां मनाने के बाद जब हम घर लौटे तो हमारी दुनिया ही बदल गई थी। दोस्तों, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। आज से इस कंपनी का नाम ओबेरॉय इंडस्ट्रीज नहीं, ठाकुर इंडस्ट्रीज होगा। ये जमीन है, ये एम्पायर मेरा है। कैसे तुमने सब कुछ किया? तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैंने तुम्हें इज्जत दी, एक मामूली नौकर से तुम्हें पार्टनर बनाया। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। तुमने मेरे साथ नमक हरामी की। इसीलिए मैं इस कंपनी का मालिक बना। और तू सड़क का भिखारी, धक्के मार के बाहर निकालो इसे। मुझे धक्के मार, निकालो इसे बाहर। 16 साल सूरज, 16 साल तक हमने हवा के थपेड़े खाए। पापा के विश्वास और एक नमक हराम की बेईमानी ने हमें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। We were on the road, सूरज। We were literally on the roads. I'm sorry, शीतल, and ashamed too. धर्म ठाकुर और मेरे रगों में एक ही खून है। ताज्जुब है कि हमारे परिवार के एक आदमी का खून इतना गंदा कैसे निकला। I'm sorry. खून गंदा नहीं है भाई। नहीं भाई, खून गंदा नहीं, नियत गंदी थी उस इंसान की। खून गंदा होता तो वो बीमार होता, नियत गंदी है इसलिए वो बेईमान है। शीतल, मैं वो 16 साल का वक्त तो नहीं लौटा सकता, लेकिन वो सब कुछ लौटा सकता हूँ जो कुछ तुम्हारा था। मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी ने आपके पिताजी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, विश्वासघात किया है। आज तुम्हें वो सब कुछ लौटाने आया हूँ जो कुछ ओबेरॉय खानदान का है। ये रहे सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स विद इंटरेस्ट। आज तक जो कुछ धर्म ठाकुर और प्रेम का था वो सब कुछ तुम्हारा है। हो सके तो मेरे पिताजी को माफ कर देना। ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए मैंने सब कुछ किया, बस अपना फर्ज अदा किया है। भाई, अब आपको अपने खानदान के खून पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। धोखा दिया मैंने, लेकिन किसके लिए? तेरे लिए बेटे, तेरे लिए। पापा, आपने जो किया किया, अब जो भी होगा वो मेरा प्रायश्चित होगा। शायद आपके पाप का बोझ कुछ हल्का हो जाए। अब इस छत के नीचे मेरा दम घुटता है पापा, मैं एक मिनट भी नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूं पापा। प्रेम, रुक जाओ प्रेम। प्रेम,
राशन। मेरे बच्चों पास आओ, मेरे दिल के टुकड़ों गले लग जाओ। पापा 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 मेरे बच्चों, पापा पापा मैं शीतल अब रॉय का वकील हूं। ये कोर्ट का नोटिस है इस घर को खाली करने का। इस घर को जल्दी खाली कर दोगे तो बाहर फेंके जाने की बेइज्जती से बच जाओगे। सावित्री 48 जी 50 ये अलमारी में रख दो, मैं जरा धर्म को पैसे देके आता हूं। ठीक है। अरे धर्म। नमस्ते। नमस्ते। मैं तो तुम्हारे पास आ रहा था ये किराए के रुपए लेकर। भाई साहब इस वक्त मेरे लिए ये रुपए ही सब कुछ है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं बर्बाद हो गया भाई साहब। गाड़ी, बंगला, ऑफिस, दौलत सब कुछ छिन गया मुझसे। क्या ये कैसे हुआ सब कुछ? मैंने सारे पैसे शेयर्स में डाल दिए, दिवाला निकल गया, मैं तो बर्बाद हो गया भाई साहब। मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा। हमारे खानदान की पहचान कायम रहे और तुम्हारी पहचान मिट जाए, ये कैसे हो सकता है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हमारी बस्ती की जमीन किस काम आएगी? बेच दो ये जमीन और फिर से खड़ा करो अपना बिजनेस। ये जमीन आप नहीं बेच सकते पिताजी। ये है इसका स्टे ऑर्डर। कानूनी तौर से आप ये जमीन नहीं बेच सकते। ये क्या हरकत है? हरकत नहीं, पुरखों की जमीन का वारिस होने के नाते मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। और आज आप अपना ही लेक्चर भूल गए कि दादाजी ने खून पसीना बहाकर ये जमीन खरीदी थी। हमारे खानदान की पहचान है ये जमीन। पिताजी मेरे रगों में खून से ज्यादा आप दोनों के ये अल्फाज दौड़ते हैं। क्यों, मेरे जज्बात आपको कभी नहीं छुए और आज अपने भाई के लिए इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं? अगर इनकी असलियत जान जाएंगे ना तो इन्हें भाई कहने में शर्म महसूस करेंगे आप। क्यों चाचू, बताइए अपनी काली करतूते जो आज आपकी बर्बादी का कारण है। बताइए किसका घर बर्बाद करके अपना मैल खड़ा किया था आपने? सूरज, पिताजी आप नहीं जानते कितना बड़ा पापी है ये रावण है। ये रावण, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने पिता समान चाचा के बारे में ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आई इसे? माफी मांग इनसे, मांग माफी। नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं इनकी सच्चाई जान गया हूं और मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन इनकी सच्चाई आपके सामने भी आ जाएगी। इसी वक्त निकल जाए इस घर से। अब चाचू जाइए, क्या करें? रुक जाइए भाई साहब। जाने दीजिए, रुक जाइए भाई साहब। क्या कर रहे हैं? उठाइए चाबी, नहीं चाहिए तेरा बंगला बंगला, निकल जाए यहाँ से। चाचू मैं जा रहा हूँ लेकिन स्टे ऑर्डर वापस नहीं ले जा रहा हूँ। मैं भी देखता हूँ कि आप 5,000 रुपए महीने में घर कैसे चलाते हो। नहीं नहीं मेरे बच्चे, नहीं ऐसा मत करो सूरज, सूरज ऐसा मत करो। दौलत के नशे में अंधा हो गया है। सूरज, I'm so happy। मैं यहाँ किस लिए आई हूँ तुम जानते हो? हमारा स्ट्रगल पूरा हो गया है, हमारी मंजिल हमें मिल गई है, हमारी सारी खुशियां लौट आई हैं। तुम खुश नहीं हो? मैं जानती हूं तुम बुद्धू हो। तुम जानते हो मैं यहां किस लिए आई हूं? तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। क्या कहने वाले थे तुम उस दिन मुझे रेस्टोरेंट में? मैंने तुम्हें दौलत का लालच दिया और तुमने बात टाल दी। कहो ना, क्या कहना चाहते थे? शीतल, मैंने तुमसे कई बार कहने की कोशिश की मगर मैं जानती हूं तुम नहीं कह सकते।
करने लगा, मुझे क्या हुआ क्या कहूँ, दिल आज बहकने लगा। No, Sheeta, I don't agree. This is just not possible. तुम जानबूझकर गलती कर रही हो, जानबूझकर। तुम जानती हो कि सूरज कौन है? सूरज हमारे दुश्मन के खानदान का है। लेकिन भैया, तू समझा इसे। सूरज की बात को लेकर आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? वाह, कमाल करती हो। दुश्मन के साथ हर वक्त रहती और हर वक्त नहीं, सिर्फ जरूरत के वक्त। सूरज कोई मेरा साया नहीं है। सूरज को तो मैंने इस्तेमाल किया है अपना मकसद पूरा करने के लिए। आई यूज्ड हिम टिट फॉर टैट। सूरज मेरे लिए वो हथियार है जिसे मैंने अपने दुश्मन पर वार करने के लिए खरीदा था। अब मेरा मकसद पूरा हो चुका है।
अब मुझे सूरज की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया है। तो अब इससे तुम कोई ताल्लुक नहीं रखोगी? सवाल ही नहीं उठता, he doesn't exist for me। ऐसे दौलत के लालची लड़के से शीतल ओब्रॉय का भला क्या ताल्लुक हो सकता है? शुगर? नो शुगर सूरज। आपको कॉफी कड़वी लगेगी। मेरी जिंदगी में इतनी मिठास भर चुकी है कि कड़वाहट का एहसास भी नहीं होगा। आपके मुंह का मजा अक्सर बदलता रहता है। तुमने तो सब कुछ बदल दिया है मेरी जिंदगी में। टू टेल यू फ्रेंकली आई एम क्वाइट कंफ्यूज्ड। मैंने ऐसा कौन सा काम किया कि आप अपनी हर खुशी का क्रेडिट मुझे देती हैं? एक्चुअली आई डोंट नीड टू टेल यू, सही वक्त आने पर तुम खुद ही समझ जाओगे। राणे साहब, आपको क्या लगता है ये लोन सैंक्शन हो जाएगा? आप कैसी बातें करते हैं ठाकुर साहब। आप जैसे ईमानदार बिजनेसमैन जब चाहे मार्केट में वापस आ सकते हैं और आई एम श्योर बहुत जल्द ही अपने आप को फिर से एस्टैब्लिश कर सकते हैं। थैंक्स अ मिलियन राणे साहब। सर कुछ अंदाजा है कि ये लोन सैंक्शन होने में कितना वक्त लगेगा? मैं आज ही हेड ऑफिस से इंक्वायरी करता हूँ। मेरा ख्याल है एक हफ्ते में लोन सैंक्शन हो जाएगा। आपका प्रपोजल भी अच्छा है और आपकी रेपुटेशन बैंक में ए ग्रेड है। डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच सर। सी यू। हिंदुस्तान नगर जाएगा ना? हाँ जाएगा। हाँ एक टिकट देना। नमस्ते ताऊ जी। प्रेम, सुना है तुमने घर छोड़ दिया, अपने बाप को अकेला छोड़ दिया, वो भी एक लड़की के लिए? वाह ताऊ जी, अगर आपको उनकी असलियत पता होती तो आपको उन्हें अपना भाई कहने में शर्म आती। हाँ चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। किसका खून बह रहा है तेरी रगों में हैं? ठाकुर खानदान में तुझ जैसा बेईमान और मक्कार कैसे पैदा हो गया? भाई साहब, ये तो प्रेम ने आपके कान भरे हैं, जिसे हरिश्चंद्र बनने का शौक उमड़ा। हरिश्चंद्र बनने का? हरिश्चंद्र तो मैं समझता था तुझे, मैं। लेकिन मेरे बेटे सूरज ने सही कहा था, तू वाकई एक रावण का रूप है। रावण है तू, रावण। मुझे मालूम था कि आप लोग यहां जरूर आएंगे। ये रहे बस्ती के कागजात, मैं कल स्टे ऑर्डर भी वापस ले लूंगा। आपकी दौलत, आपकी जायदाद, आपको मुबारक हो। तुम्हारे पिताजी और हम लोग कागजात वापस लेने के लिए नहीं आए हैं, हम तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए आए हैं बेटे। आप कुछ कहिए ना इसे। किस तरह कहूं सावित्री, किस तरह कहूं कि बेटे घर वापस चल? उसी घर से तो इसे बेइज्जत करके बाहर निकाला था। किस तरह कहूं कि बेटे उस दिन तेरी बात तेरा बाप समझ नहीं पाया था। किस तरह कहूं कि बेटे बेटे अपने इस बाप को माफ कर दे। नहीं पिताजी, नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए पिताजी। भाई हम सब घर चलते हैं। मुझे अपने घर जाने के लिए किसी की मशवरे की जरूरत नहीं पिताजी। मैं घर जरूर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम पूरा करना है, एक बहुत बड़ा काम। ट्रस्ट मी, जिस दिन मैं अपना मकसद पूरा करूंगा मैं अपने घर वापस जरूर आऊंगा।
जानो तुम। गाड़ी चला। बहुत आगे ना तुझमें शानी, काबू में रख नहीं तो। छोड़ो मुझे। ए, साइन कर। सर ने पेपर्स दिए हैं, साइन कर दे। यू साइन कर। प्रेम, एक बार तुम बेवकूफी कर चुके हो इस लड़की को अपना सब कुछ सौंप कर। इस लड़की की वजह से मैं बर्बाद हो गया हूँ। अगर इसने अपनी जायदाद वापस नहीं की तो ये जिंदा नहीं बचेगी, समझे? वाह धर्म ठाकुर वाह। बस आपका यही रूप देखना बाकी था। जब तक मैं जिंदा हूँ शीतल को कुछ नहीं हो सकता। होश में आओ प्रेम, अब जाओ मेरे रास्ते से। क्या करेंगे आप? गोली मारेंगे? मारेंगे मुझे? प्रेम, तुम जानती हो शीतल, ये दौलत के लालच में अपने बेटे की जिंदगी भी दांव पर लगा देंगे। तुम भाग जाओ शीतल यहां से। छुटकी भाग। प्रेम प्रेम वहीं रुक जाओ। धर्म ठाकुर, तुम मेरे नजदीक आने के लायक नहीं हो। तुम हार गए हो, तुम हार गए हो। ये घटना कहां हुई? प्लाजा की बेसमेंट में। हम दोनों गाड़ी से उतरे और अचानक गोली चली। आपने गोली चलाने वाले को देखा? जी हाँ, मैंने उसे देखा। आप उसे पहचान सकती हैं? प्रेम की जान लेने की कोशिश करने वाला वो कमीना मेरे लिए एक अजनबी है ऑफिसर, शायद मैं उसे ना पहचान पाऊं। नमस्ते आंटी। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। कैसे हो बेटे? ठीक हूं अंकल। तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, हमारी बेटी की जान बचाकर। उपकार कैसा अंकल? अगर मेरी जान भी चली जाती तो किसी के पाप का प्रायश्चित हो जाता। अंकल, मेरे पिताजी से हुई गलतियों की मैं माफी मांगता हूं। भाई साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए, इस पापी को माफी दे दीजिए। दौलत की हवस में मैंने देवता जैसे अपने मालिक के साथ विश्वासघात किया, बाप समान अपने भाई का अनादर किया। मैं कितना कमीना हूं कि मैंने अपने बेटे को ही मौत के मुंह में ढकेल दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। धर्म ठाकुर, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटाए
तो उसे सजा नहीं दिल से लगाया जाता है। भाई साहब मुझे क्षमा कर दो, मेरे बेटे की सच्चाई ने मुझे ये रास्ता दिखा दिया। बेटा हो सके तो मुझे माफ करना। पापा प्लीज ऐसा मत कहिए। धर्म ठाकुर कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने किए हुए वादे को भूल गए हो? मालिक अब जो कुछ भी कहेंगे उसे वचन मानकर मैं निभाऊंगा, आज्ञा तो कीजिए। मालिक नहीं समधी, समधी कहो पार्टनर। बारात लेकर कब आ रहे हो? मालिक सूरज, सूरज अच्छा हुआ तुम यहां मिल गए। बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ वो तो हूँ। जरूर किसी का दिल खरीदा होगा या तोड़ा होगा। What do you mean? You always destroy one thing when you are happy, Sheeta. अजीब मूड में हो और आज तुम मेरी कुर्सी पर कैसे बैठे हो? आज के बाद मैं इसी कुर्सी पर बैठा करूंगा शीतल। मतलब हर सवाल का जवाब मिल जाएगा मिस ओब्रॉय। पहले मेरी कहानी तो सुनिए। आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग टेल। एक लड़का था, मिडिल क्लास, पढ़ा लिखा, भोला भाला, बेरोजगार। और एक लड़की थी, मगरूर, बदतमीज और दौलत की नशे में चूर। उस मगरूर लड़की ने उस भोले भाले लड़के को अपने दौलत के सहारे खरीद लिया। हर कदम पर उसके सामने दौलत बिछा दी, उसके गले में दौलत ठूस दी। सूरज आई एम सॉरी। हाँ तो कहानी किस मोड़ पर थी? दौलत। उस बदतमीज लड़की ने उस भोले भाले लड़के को हथियार बनाया अपने दुश्मन का गला काटने के लिए। हाउ मीन इज़ इट चितल। वो बेवकूफ दौलत का लालची लड़का उसके लिए सिर्फ एक खिलौना था, एक मोहरा था। उसके इशारों पर नाचने वाला कठपुतली था वो, बस और कुछ नहीं। और वो लड़की हर इंसान को दौलत के तराजू में तौलती थी, हर इंसान को। ये प्यार, भावना, रिस्पेक्ट उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखता था। एवरी इमोशन वॉज मीनिंगलेस फॉर हर, एवरी इमोशन, एवरी गॉडडैम इमोशन। वो लड़की जानती थी कि वो लड़का उसे बेहद प्यार करता है, लेकिन उसने प्यार के मुंह पर हमेशा दौलत का तमाचा मारा। सूरज इट हर्ट्स। शट अप, चिल्लाओ मत। मेरी चीखें भी किसी ने नहीं सुनी। तुम पागल हो गए हो। हाँ मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन इतना होश है कि मैं तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा सकूं। पागल किसने बना दिया मुझे? सिर्फ तुमने शीतल, सिर्फ तुमने। दौलत की हवस मेरे अंदर किसने पैदा की? सिर्फ तुमने शीतल, सिर्फ तुमने। I was an innocent boy. You made me go mad. And now you will pay the price. अब डोर मेरे हाथ में है शीतल। अभी कठपुतली नाचेगी, लेकिन उस कठपुतली का नाम सूरज नहीं, शीतल होगा। शीतल। मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगी जहां से उठाकर लाई थी। नॉट एट ऑल मिस ओब्रॉय, अब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। याद है एक पावर ऑफ अटॉर्नी ने तुम्हारे बाप को सड़क पर खड़ा कर दिया था? यस मिस ओब्रॉय, तुम सही समझे। तुम्हारे एक दस्तखत ने तुम्हें सड़क पर खड़ा कर दिया। ये तो मेरी मेहरबानी कि तुम अभी तक मेरे दफ्तर में खड़ी हो। यू चीट्स। अग्रीड, लेकिन ये सब आपकी मेहरबानी का नतीजा है। मैं पुलिस 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 समाज अदालत जो दरवाजा चाहो खटखटाओ, सारी उम्र गुजर जाएगी मुझे गलत साबित करते करते। बस एक तरीका है तुम्हारे पास, मैं सब कुछ वापस दे दूंगा, सब कुछ लौटा दूंगा, मगर एक शर्त पर, मुझसे शादी कर लो। Are you mad? Yes, of course I'm mad. मैं पागल हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, खून भी कर सकता हूं और किसी का भी कर सकता हूं, प्रेम का भी। You? It's all over for you, darling. End of the road. शादी का दिन और समय हम तय करेंगे, तुम बस दुल्हन बनकर हमारा इंतजार करना। Now get out. Get out of my sight. शीतल से तुम्हारी शादी? भाई इसे पागल तो कह नहीं सकते। सूरज, शीतल से अगर तुम शादी करना चाहते हो ना
तो तुम्हें खुद अपने पैरों पर चल के आना होगा। और हाँ, हम तुम्हारे इतने छोटे छोटे टुकड़े। हाँ, बात तुम्हारी समझ में आ गई ना? हाँ, जोड़ी नंबर वन। भाई ऊपर वाले ने एक्स्ट्रा टाइम देकर तुम दोनों को बनाया है। बहुत सुना है तुम दोनों के बारे में, मगर मिला पहली बार। दरअसल बात यह है कि तुम दोनों के सर तो बड़े बड़े हैं मगर अंदर से खाली है। लगता है मेरी ये बात तुम लोगों के समझ में नहीं आएगी। कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। भाई हुआ ये कि शीतल ओबरॉय ने अपनी सारी जायदाद इस सूरज ठाकुर के नाम कर दी है। इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं हो सकता। ये हो चुका है। शीतल पागल हो गई है। भाई ये तो तुम्हारे फैमिली का रिवाज है। बाप पागल हुआ धर्म ठाकुर के लिए, बहन पागल हुई प्रेम ठाकुर के लिए, और अब तुम लोग पागल होंगे सूरज ठाकुर के लिए। अगर मेरी बात नहीं मानी तो आधी जिंदगी तो तुम लोगों ने जेल में गुजारी है, और बाकी आधी जो है सड़कों पर भीख मांगते हुए तुमको गुजारनी पड़ेगी। मेरी तो सिर्फ छोटी सी शर्त है, अगर तुम लोगों को उतरना हो तो मैं गाड़ी रुकूं। क्या शर्त है तुम्हारी? क्या शर्त है तुम्हारी? शीतल को मुझसे शादी करने के लिए तैयार करो और मैं तुम्हें तुम्हारी सारी जायदाद वापस कर दूंगा। लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा? मुझ पर भरोसा करने के अलावा तुम लोगों के पास कोई चारा नहीं है। यू डोंट हैव अ चॉइस। देखो, हम ऐसे जबरदस्ती कैसे? आ, 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 जबरदस्ती नहीं, धमकी से। तुम्हें शीतल को धमकी देनी पड़ेगी कि अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो तुम प्रेम को मार डालोगे। इट्स सो सिंपल। ओबेरॉय खानदान में पहली शादी धूमधाम से होनी चाहिए। सो हाउ डू यू लाइक दिस? डोंट बी स्टूपिड। आप लोग शायद होश में नहीं हैं। अच्छा, हम होश में नहीं और तुम होश में थी जब अपने हाथ काट के तुमने सूरज के हाथ में हम सबकी जिंदगियां सौंप दी। देख चुटकी, तू हमारी छोटी बहन है, हम तेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन तुझे हमारी ये बात माननी होगी। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। आप लोग होते कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? Keep away from my life. रौनक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शीतल को थप्पड़ मारने की? क्या तुम भूल गए कि इसी ने हम सबको पाला है, मुझे संभाला है और तुम दोनों को जेल से छुड़ाया है? आप चुप रहिए बाबूजी, चुप रहिए आप। आपको इतने सालों तक होश नहीं था। हाँ, सड़कों पर बचपन और जवानी जेल में गुजारी हम भाइयों ने, लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे हम ऐसा। अब हम अपने हाथों से दौलत नहीं जाने देंगे। इसकी शादी सूरज से ही होगी। सूरज, सूरज, सूरज? आखिर आप लोगों को सूरज से इतनी हमदर्दी कब से हो गई? अच्छा, तुम्हारी दोस्ती अचानक दुश्मनी में कैसे बदल गई? हाँ। तुम्ही ने कहा था ना कि सूरज ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। ये सब कुछ तुमने सूरज की मदद से हासिल किया, और फिर तुम्ही ने तो कहा था ये सब कुछ सूरज की वजह से हासिल किया। अब हम सूरज की वजह से ही सब क्यों गवाएं? To hell with सूरज and his wealth. मैं सूरज से नफरत करती हूँ। I hate him. अगर तुमने सूरज से शादी नहीं की तो हम नहीं नहीं, ये नहीं, कोई भारी सा मंगल सूत्र दिखाओ। मेरे बेटे की शादी है, किसी को गिफ्ट थोड़ी करना है। ये देखिए सेठ जी। यो ही ना बात। बताइए। अच्छा है ना? ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। भारी भी है और खूबसूरत भी। ये अच्छा है ना प्रेम? अरे भाई तुम, आप लोगों को पता चल गया कि मैं शादी कर रहा हूँ, मंगल सूत्र भी खरीद लिया। वेरी नाइस। शादी? शादी? तू शादी कर रहा है? कब? ओह, मैं तो बताना ही भूल गया, मैं कार्ड देने घर गया था, पता चला कि आप लोग यहाँ है तो मैंने सोचा भाई का कार्ड पहले मैं देखूंगा। पहले भाई देख ले, बाद में माता पिता देख लेंगे। सूरज
सूरज वैद शीतल। तू शीतल से शादी कर रहा? हाँ पिताजी, मैं आपको बताना भूल गया, शीतल मुझसे शादी करना चाहती थी। ये सब इतनी जल्दी जल्दी हो गया कि मुझे आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। आई एम सो सॉरी पिताजी। आई होप यू डोंट माइंड। एनीवे, ओह मुझे देरी हो रही, मुझे जाना पड़ेगा। आप लोग प्लीज कल टाइम पर पहुंचेगा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट पिताजी। वाह, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल शीतल की तरह है ना प्रेम। I'll see you all tomorrow. सूरज मेरी बात सुन। सूरज ताऊजी, सूरज आप रुक जाइए। ताऊजी छोड़ दो मुझे प्लीज। ताऊजी मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। अनर्थ नहीं हो रहा है ताऊजी, ये विधि का लिखा हुआ हो रहा है। तुम पागल हो गए हो प्रेम। बड़ी माँ, भाई की खुशी के लिए शीतल तो क्या, मैं अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दूंगा। हम सब लोगों को दुआ करनी चाहिए कि भाई मंगलसूत्र की गांठ इतनी मजबूत बांधे कि जिंदगी भर ना छूटे। दुपट्टा लहरण वाली है, तू दिल मेरा ले गई है।
दुपट्टा लहरान वाली है। विधि शुरू कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अब आप लड़की का दायां हाथ अपने दायें हाथ में ले लीजिए। हवन सामग्री स्वाहा के साथ अग्नि में डालिए। ओम गणानांता गणपति गुण हवा महे। पंडित जी, तुम्हारे कदम क्या बढ़े और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया। तुम ही कहा करती थी ना कि मेरे सारे अरमान पूरा करोगी, है ना? तो फिर आज ये आंसू क्यों? सूरज, टॉक व्हेन यू आर आस्क्ड टू टॉक। रोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, पर यहां आई हेट टीयर्स। मुझे आंसू बिल्कुल पसंद नहीं। पंडित जी मंत्र पढ़िए। ओम गणानांता गणपति गुं हवा महे। ओम प्रियनांता प्रियपति गुं हवा महे। माँ की आंखों में आंसू, लेकिन क्यों? पिताजी भी? नैन, सबके सब उदास, मक्कार। ये तो बहुत बड़ा एक्टर है। दिल रोता है मगर होठों पर मुस्कुराहट, लेकिन आज इसकी मुस्कुराहट मुझे धोखा नहीं दे सकती। हर आंख में आंसू, हर चेहरा उदास। सूरज, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तू इतना स्वार्थी हो गया है? नहीं सूरज, तू ऐसा नहीं बन सकता। तू ऐसा नहीं बन सकता सूरज। पंडित जी, भाभी लाने की तो तुम्हें हमेशा जल्दी थी ना, तो फिर आज ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? आप लोग सब रो क्यों रहे हो? क्या मैं कोई गलत काम कर रहा हूं? आप लोगों को ये शादी पसंद नहीं? पिताजी, आपका तो हर सपना मैंने पूरा किया। नाम, शान, इज्जत, दौलत सब कुछ हासिल की मैंने, तो फिर ये मातम क्यों? देखिए देखिए अपने बहू को, लगती है ना ठाकुर खानदान की शान। नैन, जब तुझे तेरा प्यार मिला था ना, तो सबसे ज्यादा खुश मैं था, मैं। और आज तू मेरी खुशियों का स्वागत आंसुओं से कर रहा है? क्यों? Why? Why? आपके आंसू तो मैं समझ सकता हूं ओबरॉय साहब, बेटी जो विदा हो रही है। मगर देखिए देखिए अपने दोनों बेटों को, रौनक और रोशन, कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, है ना? Anyway, सब लोग आ गया ये दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने। प्लीज, कोई आंसू नहीं बहाएगा। I hate tears. मुझे मुस्कुराते हुए चेहरे पसंद है।
आज तुम्हारी ये मुस्कुराहट मुझे धोखा नहीं दे सकती। आओ मेरे साथ, आओ भाई। मैं इतना भी खुदगर्ज नहीं कि मैं तुम्हारी जिंदगी छीनकर अपनी जिंदगी बसाऊं। सूरज एक मिनट, मैं भाई से बात कर रहा हूं ना। तुम्हारा मुझ पे और मेरे परिवार पे बहुत एहसान है। आज अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। सूरज कहां ले जा रहे हो? स्वर्ग में कोई प्रॉब्लम? ए सूरज, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी बहन की शादी हो रही है और क्या, ठाकुर खानदान की बहू बनाने जा रहा हूं मैं उसे। रोशन, सूरज, सूरज, सूरज। अगर किसी ने इस शादी में रुकावट डालने की कोशिश की तो इसकी मौत का तमाशा देखोगे। ऐसी गलती मत करना सूरज, वरना लाशों को गिनते गिनते तुम थक जाओगे। मैं जानता था गद्दार ठाकुर खानदान का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है। धोखेबाजी तेरे खानदान का पेशा है। नजर घुमा कर देख, मेरे एक इशारे पर तेरा पूरा खानदान मौत की गोद में सो जाएगा। देख, तू कुछ नहीं कर सकता रौनक, तेरे दिल में तो लालच है। गोली मारने के लिए तो कलेजा चाहिए, कलेजा। अगर मैं चाहता था तो मैं गोली 2 इंच नीचे भी मार सकता था, है ना? है ना? प्रेम जा मंडप में बैठ, मेरी बात मान प्रेम, जा। पंडित जी मंत्र पढ़िए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधि के शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मंगलम भगवान क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी जगह तो प्रेम के दिल में है, इन पैरों में नहीं। मुझे माफ कर दो सूरज, मुझे माफ कर दो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए शीतल, जो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए निकला था। छीन कर प्यास बुझाने में वो मजा नहीं जो पाकर प्यास बुझाने में है, है ना? कॉम्रेड्स प्रेम। Yeah!
पिताजी पिताजी यार, माफ कर दे इन लोगों को, मेरी बात मान चिया। क्या कहा आपने? हाँ बेटा, मेरी बात मान चिया। चिया? चिया? चिया बेटा, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ। नहीं माँ, माँ, नहीं माँ, मेरे जख्मों का किसी भी डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं। पिताजी, आपने मेरी जान बचाने की क्यों कोशिश की? आपको अगर कुछ हो जाता तो देखो ना माँ, कितना खून बह रहा है पिताजी का। हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। ए भाई, कहाँ है तेरी मुस्कुराहट? फिर धोखा नहीं देगा मुझे? शीतल, मेरा भाई जो है बहुत भोला है, और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें प्रेम जैसा पति मिला। और रही जायदाद की बात, वो तो कभी मेरी थी ही नहीं। वो कागजात, वो दस्तखत सब नकली थे। क्या? ए सुमन, पता तो इन्हें कितना माहिर हूं मैं नकली दस्तखत करने में। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए कि आज तुम्हारी प्यास बुझ गई। रोना तो उसे चाहिए जो आज भी प्यासा है। नहीं समझी? अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो